गोवर्धन बहुत स्पेशल डिवोटी है कृष्ण के, और गोवर्धन स्वयं कृष्णा भी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है और डिवोटी भी है, ऐसे गोवर्धन भी कृष्णा है और डिवोटी है, दोनों में मतलब अंतर नहीं है। पर गो जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त के फॉर्म में आए, ऐसे गोवर्धन को भक्त के रूप में वर्षित किया जाता है, पर है कृष्णा वो। ये हाँ यस, मैं जो भी बोलूंगा शास्त्र से बोलूंगा बस मुझे श्लोका याद नहीं है, बट मैं आपको आप क्लास के एंड में रेफरेंस सारे दूंगा। तो गोवर्धन जो है वो स्वयं कृष्णा है, पर डिवोटी के फॉर्म में उसको वर्शिप करते हैं। और हमारे जो छह गोस्वामी थे, उन्होंने कई सारे अष्टकम लिखे हैं, गोवर्धन अष्टकम, उसमें भी उन्होंने ये मूड डिस्क्राइब किया है। सो गोवर्धन बेसिकली है क्या, हम देखते हैं तो वो एक ना एक पर्वत की तरह हमें दिखते हैं। आप लोग गए होंगे गोवर्धन, हम लोग अभी रिसेंटली गोवर्धन परिक्रमा किया। सो गोवर्धन हमें जस्ट एक माउंटेन की तरह दिखता है, कुछ इस तरह से, ऐसा हम परिक्रमा मार्ग है ये, यहाँ से हम परिक्रमा करते हैं। और ये जो माउंटेन देख रहे हैं आप गोवर्धन, वृंदावन क्षेत्र में आता है, और कहा जाता है कि ये पास्ट टाइम जो हुई थी, भगवान ने जो पर्वत उठाया था, यही सेम पर्वत जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी पर्वत को उठाया था, ये पर्वत को कृष्णा ने उठाया था गोवर्धन को ग्लोरीफाई करने के लिए, पहला। दूसरा रीजन, ब्रजवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्षा से, इंदिरा देवता ने वर्षा दी थी। और तीसरा, इंद्र को सुधारने के लिए। तो एक साथ तीन कार्य किए भगवान ने इस पास्ट टाइम के अंदर, गोवर्धन को ग्लोरीफाई किया, ब्रजवासियों को प्रोटेक्ट किया, और इंद्र को हम्बल बनाया, विनम्र बनाया। गोवर्धन को ग्लोरीफाई किया, हाँ, पर वो आगे पास्ट टाइम आएगी। कृष्णा तो हुए ग्लोरीफाई, बट कृष्णा ने अपनी इस पास्ट टाइम से ये तीन चीजें एक साथ की। गोवर्धन, अभी गोवर्धन पर्वत को नहीं उठाया होता तो आज हम परिक्रमा नहीं कर रहे होते, गोवर्धन पूजा नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा माइंड दौड़ाना है क्लास सुनते समय, क्या एग्जैक्टली हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्णा तो होंगे ही ग्लोरीफाई, क्यों नहीं होंगे। सो इंद्रा जो है वो भगवान के भक्त है वो भी, और गोवर्धन भी भक्त है और ब्रजवासी भी भक्त है, तीनों डिवोटीज है, बट एक को ग्लोरीफाई किया, एक को प्रोटेक्ट किया, और एक को विनम्र बनाया। तो ये भगवान के पास्ट टाइम की यूनिक क्वालिटी है, एक साथ ऐसा रेसिप्रोकेट करते हैं, हर भक्त को लगता है कि मेरे लिए ही कर रहे हैं भगवान। तो इंद्रा भी डिवोटी है, गोवर्धन भी डिवोटी है, ब्रजवासी भी डिवोटी है। सो डिवोटी ब्रजवासियों के साथ रेसिप्रोकेशन किया, गोवर्धन के साथ ग्लोरीफाई किया गोवर्धन को, और इंद्रा को ह्यूमिलिएट किया, हम्बल बनाया उसको, फॉल्स प्राइड था। सो कृष्णा अपने भक्तों को पोजीशन देते हैं, पावर देते हैं, ऑपुलेंस देते हैं, नेम फेम देते हैं, पर अगर वो भक्त उसको मिसयूज करेगा तो कृष्णा उसे वापस भी ले लेते हैं, ये इंद्रा के थ्रू कृष्णा बताते हैं। अगर वो डिवोटी मिसयूज करता है पावर को और प्राउड बन जाता है, तो कृष्णा पूरा ध्यान रखते हैं कि उसकी ये बीमारी ठीक हुए। इस तरह से अब गोवर्धन जो पर्वत है वो कैसे आया, उसके पीछे मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज हैं किस प्रकार से गोवर्धन मैनिफेस्ट हुए। सो एक तो ये है जो फेमस गर्ग संहिता में इसका डिस्क्रिप्शन आता है,
कि ये जो पर्वत है गिरिराज पर्वत, ये द्रोणाचल, माउंट द्रोण, मतलब द्रोणाचल बोलते हैं इसको, उसका पुत्र है ये गिरिराज। और हिमालय के जहां है अभी, उस वहां पर ये पर्वत हुआ करता था। तो एक बार ऐसा होता है कि पुलस्त्य ऋषि आते हैं वहां पर, और उनके जो पिताजी होते हैं द्रोण, द्रोणाचार्य वाले नहीं, महाभारत वाले द्रोण, ये दूसरे द्रोण, द्रोणाचल बोलते हैं इनको। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये मुझे ये पर्वत चाहिए आपका गिरिराज। तो ये एग्री नहीं हुए कौन, द्रोणा, तो उनको बहुत दुख हुआ। और फिर फाइनली अल्टीमेट एग्री हुए, जैसे वशिष्ठ मुनि जाते हैं भगवान राम को मांगने दशरथ महाराज से, जब वो असुर का वध करना होता है, तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं आ जाता हूँ, आप राम को क्यों ले जा रहे हो, छोटा बच्चा है वो नहीं कर पाएगा इतना। बट वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ मुनि बोले कि नहीं, मुझे राम को ही ले जाना है। तो ऐसे ही पुलस्त्य मुनि बोले, मुझे गिरिराज को ही ले जाना है और किसी को नहीं। सो अल्टीमेटली मान जाते हैं गिरिराज और को उठा के ले जाते हैं। फिर गिरिराज क्या, जो ये पर्वत होते हैं उनको काशी ले जाना होता है वहां से पुलस्त्य मुनि को। तो गिरिराज बोलते हैं कि ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूं, पर एक कंडीशन है, जहां आपने मुझे एक बार रख दिया वहां से फिर मैं फिर से नहीं उठूंगा। साक्षी गोपाल स्टोरी बोल सकते हैं कि जहां आपने, पर वो ऐसा था कि पीछे मुड़ गया, आपने देख लिया तो मैं फिर से वहीं पर रुक जाऊंगा, पर चलोगे तो मैं फिर से चलता रहूंगा, ऐसा ना, वो रुकने वाला उसमें नहीं था साक्षी गोपाल के अंदर। तो पर गिरिराज का ये कंडीशन था कि एक बार आपने मुझे नीचे रख दिया फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो ये पुलस्त्य मुनि बोले ठीक है, तो ये उठाते उठाते ले जाते हैं उनको और अपनी योग शक्ति से। और फिर गिरिराज देखते कि अच्छा वृंदावन आया है, की इच्छा हुई यहाँ पर स्टे करना है मेरे को। तो गिरिराज ने क्या किया, ये मुनि को नेचर कॉल का इंडिकेशन दे दिया, मतलब इनको ऐसा यूरिन पास करने का सिचुएशन में डाल दिया। तो तभी वहां से वृंदावन क्षेत्र ब्रज मंडल गुजर रहा था, तो वहीं पर फिर पुलस्त्य मुनि रुके। उनका तो वो ध्यान, वो कंडीशन तो था, वो भूल गए वो कुछ समय के लिए। तो उधर पर्वत को रख दिया और फिर यूरिन पास करने गए और फिर वापस आए, फिर उठ नहीं रहा था गोवर्धन। तो फिर बोले कि उठो चलो, तो गिरिराज ने बोला आपको याद नहीं क्या कंडीशन, आपने एक बार जहां रख दिया फिर मैं वहां नहीं उठूंगा वापस। तो पुलस्त्य मुनि को फिर क्रोध आ गया, मतलब अननेसेसरी क्रोध आ गया, उन्हें पता है कि वो कंडीशन है बट अभी चल नहीं रहे, उनसे गुस्सा आ गया। तो क्रोध में वो श्राप दे देते हैं, और श्राप क्या देते हैं कि हर रोज राई के दाने के समान के बराबर तो तुम्हारा जो हाइट है वो कम होते जाएगा। तो उस समय गिरिराज का हाइट बहुत था और अभी बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गए हैं। पर इवन आप जब देखो, इवन प्रभुपाद के टाइम पे अगर आप कुछ पिक्चर दिखता है ना गिरिराज का, तो बहुत हाइटेड दिखेगा आपको। 1975-76 में जब प्रभुपाद गए थे, तो वो आप पिक्चर देखना और अभी का ये जो मैंने आपको दिखाया वो देखना, काफी हाइट में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो मस्टर्ड सीड जो राई का दाना होता है उसका हाइट के बराबर वो गिरिराज जो है नीचे होते जाता है हाइट उसका, ये श्राप की वजह से। एक तो ये स्टोरी है, दूसरा एक स्टोरी ये है, ये आता है आई थिंक गर्ग, एक्चुअली गर्ग संहिता में कल्पों के हिसाब से स्टोरीज दी है। तो कौन से कल्प की है वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद पिछले कल्प का त्रेता युग भी हो सकता है, पिछले कल्प का सतयुग भी हो सकता है, युग भी मेरे पास आइडिया नहीं है, बट कल्प के आधार पे गर्भ संहिता के अंदर अलग अलग स्टोरीज हैं। बट उसमें आप
ये कर सकते हैं कि सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर के अंदर ये स्टोरी आती है, फर्क समझना, सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर दसवें नंबर श्लोक से ये। दूसरा एक स्टोरी आता है ये व्रज विलास बुक करके है शास्त्र, उसमें उसमें ऐसा बताया कि ये त्रेता युग में जब जब भगवान रामचंद्र ब्रिज बना रहे थे लंका तक, तो ब्रिज बनाते हैं तो फिर हनुमान और सब लोग अपना वो सारे पत्थर रखते हैं और ब्रिज बनाते हैं, तो हनुमान भी सोचता है कि छोटे छोटे पत्थर से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े पहाड़ ले आता हूं मैं। पहाड़ लेने वो गए हिमालय, और फिर हिमालय में फिर ये पर्वत को उठाते हैं एक, और ये सोच के कि ये रामचंद्र की सेवा में इसको लगेगा। फिर जब उठाते हैं ले जाते हैं, तो रास्ते में उनको आकाशवाणी सुनाई देती है कि अभी ब्रिज बन गया है और कोई पहाड़ पत्थरों की आवश्यकता नहीं है ऐसा। तो फिर हनुमान ने क्या किया, अब वापस कहा मैं हिमालय जाऊंगा, उसको वहीं रख दिया। तो जो रखा वो था वृंदावन, पर उस समय वो वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध नहीं था, त्रेता युग था वो, तो वहां पे कहीं रख दिया उन्होंने। तो ये जो पर्वत था, ये जो पहाड़ था, इसको बहुत दुख हुआ कि मुझे रामचंद्र की सेवा में ले जा रहा था, ले जा रहे थे और अभी ये अवसर मुझे अब मिल नहीं रहा, तो बहुत दुखी हो गया पहाड़। हनुमान को रिक्वेस्ट करने लगा प्लीज कुछ सेवा में लगाओ। तो हनुमान फिर बोलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि अभी मैं तुम्हें इस पर्वत पे यहाँ रख रहा हूँ, अगले युग मतलब द्वापर युग में भगवान रामचंद्र स्वयं तुम्हारे ऊपर चलेंगे और अलग अलग लीलाएं करेंगे। तो ये जो पहाड़ बनते फिर गिरिराज गोवर्धन के फॉर्म में वहां पर है, तो कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं। सो ये गोवर्धन जो है, ऐसा बोला जाता है कि भगवान कृष्ण के जितने भी डिवोटीज है वृंदावन में, उसमें जो सबसे बेस्ट डिवोटी है वो गोवर्धन है। मतलब राधा कृष्ण की जो सबसे बेस्ट जो सेवा करते हैं सभी भक्तों में, उसमें जो सबसे बेस्ट है वो है गोवर्धन, ऐसा श्रीमद् भागवतम बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक आता है ये श्लोक, 10 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग को समय मिले तो उसे याद कर सकते हैं। और ये श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी बोलती है गोवर्धन के विषय में। यस रु, कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Oh, my friends, this hill supplies Krishna and Balram along with their calves, cows and cowherd friends with all kinds of necessities, water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way, the hill offers respects to the Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balram, Govardhan hill appears very jubilant. So, ye jo... So, गोवर्धन मतलब क्या, मतलब गोवर्धन किस प्रकार से सेवा करता है, देखिए, इट सप्लाई दिस हिल सप्लाईज कृष्णा बलराम सब नेसेसिटीज, पानी देता है, सॉफ्ट ग्रासेस, केव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स। सो गोवर्धन ये सारी चीजें कृष्णा और उनके डिवोटीज को देता है, सभी को। और सभी भक्त जो अलग अलग रसों में कृष्णा से कनेक्टेड है, साख्य रस, वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस, दास्य रस, जितने भी रसा है उन सभी डिवोटीज की वो सर्विस करता है। और स्पेशली गोवर्धन शब्द जो है, गो मतलब काउस और वर्धन मतलब नरिशमेंट। सो गोवर्धन भगवान की गायों का वर्धन करता है, भगवान के गायों को नरिश करता है, और गायें जो है भगवान के बहुत प्रिय है, इसलिए गोवर्धन जो है विशेष गायों को
गायों की भी सेवा करता है कृष्ण की, और गायें जो है कृष्ण की बहुत प्रिय है, इसलिए नाम गोवर्धन दिया है उनको। और ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो गोवर्धन है ये वृंदावन का तिलक है। तो तिलक आप देखेंगे, अगर आप गोवर्धन को अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये तिलक जैसा दिखेगा, कैसे वृंदावन को ऐसे तिलक लगाए किसी ने, तो तिलक है। कृष्णा ने इस गोवर्धन को छत्री बनाया अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि कृष्णा एक्चुअल प्रोटेक्टर है, कृष्णा रियल प्रोटेक्टर है, बट गोवर्धन को उन्होंने यूज किया प्रोटेक्शन के लिए। कृष्णा चाहते तो डायरेक्ट सारी वर्षा रोक सकते थे ना गोवर्धन का, क्यों इतना उठा के 7 दिन इतना कष्ट। बट कृष्णा का एक पर्टिकुलर स्वभाव ये है कि वो हमेशा क्रेडिट अपने भक्तों को देना चाहते हैं कोई भी कार्य के लिए। सो अर्जुन को क्रेडिट दिया कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के लिए, हालांकि पूरा अरेंजमेंट सब सेटअप वेटअप सब कृष्णा ने करके दिया था, अर्जुन को खाली तीर चलाना था बस, बाकी जीतने वही वाले थे अर्जुन, बट कृष्णा ने सब सेटअप किया। ऐसे ही भगवान राम ने हनुमान को क्रेडिट दिया सीता को ढूंढने का, हालांकि वो ढूंढ सकते थे सब। ऐसे ही समुद्र मंथन लीला में जब उसमें से जब विष निकला तो भगवान उस विष को भी मैनेज कर सकते थे, पर भगवान शिव को क्रेडिट दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। तो इस तरह से कृष्णा का ये स्वभाव है कि वो हमेशा दूसरों को क्रेडिट देते हैं, अपने ड्यूटीज को क्रेडिट देते हैं। तो ऐसे ही गोवर्धन को क्रेडिट देना चाहते थे कि गोवर्धन ने प्रोटेक्ट किया, मैंने नहीं, गोवर्धन ने छत्री बन के इतनी सारी वर्षा को सहन किया, हम सबको प्रोटेक्ट किया, इसलिए ये महान। सो ये मूड है कृष्ण का। सो हम डिवोटीज का भी ये मूड होना चाहिए, हमेशा दूसरे भक्तों को क्रेडिट देना चाहिए। so, कृष्णा देते हैं, कृष्णा एक्चुअल में रियल डूअर है और दे रहे हैं क्रेडिट अपने डिवोटीज को। हम तो डूअर नहीं है पर हम क्रेडिट मांगते हैं, अरे ये मैंने किया सर्विस, ये मैंने किया सर्विस, मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए और मुझे ग्लोरिफिकेशन मिलना चाहिए। इंदिरा सेम यही कर रहा था कि मुझे यज्ञ का, मेरे लिए यज्ञ क्यों नहीं हो रहा है, इस गोवर्धन के लिए क्यों यज्ञ हुआ, मुझे क्यों नहीं इसको, इसका फल मुझे क्यों नहीं दिया आप लोगों ने, इसलिए क्रोधित हो गया इंदिरा। तो ये मेंटालिटी होती है डिवोटीज। तो डिवोटीज होते हैं हमेशा दूसरों को क्रेडिट देते हैं। सो और भी कई सारे इसमें ग्लोरी इसमें है, जैसे एक ग्लोरी ये भी है कि गोवर्धन को जो प्रे करता है विशेष रूप से उसके सारे ऑब्स्टिकल्स चले जाते हैं भक्ति के अंदर। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं ये 26 को गोवर्धन पूजा है, 26 तारीख को गोवर्धन पूजा है, मतलब उस दिन गोवर्धन पूजा हुई थी और उसके एक दो दिन बाद कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था और फिर 7 दिन तक कंटिन्यूस वो पर्वत उठाया था। सो दिवाली के बाद ये 5 टाइम हुई थी गोवर्धन पूजा की, ये गोवर्धन जो धारण किया था। सो अब इसमें आगे चलते हम सो एक्चुअल हाइट में पढ़ना था गोवर्धन की क्या है एक्चुअल हाइट। एक्चुअल में एक और स्टोरी आती है गोवर्धन कैसे मैनिफेस्ट हुए, वो ये है कि एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्णा को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए यमुना के किनारे, ऐसा कोई स्थान चाहिए जहां पे मैं आपकी सबसे बेस्ट तरीके से सेवा करूं। सो कृष्णा ने फिर वो डिजायर किया, ओके मैं इसको ये स्थान में आपको प्रोवाइड करूंगा, तथास्तु बोला। सो जैसे ही कृष्णा ने तथास्तु बोला ऐसे ही कृष्णा के हार्ट में से ये गोवर्धन मैनिफेस्ट हो गया उसी समय, और गोवर्धन वहां पे, ये पास्ट टाइम होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में,
वहां पे गोवर्धन मैनिफेस्ट हो गया. और सो ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो गोवर्धन है ये कृष्णा का जो प्रेम है उसका मैनिफेस्टेशन है. कृष्णा श्रीमती राधा रानी से कितना प्रेम करते हैं उसका सिंबॉल है गोवर्धन, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेम का पर्वत, माउंटेन ऑफ लव ऐसा भी बोलते हैं. तो इसका मैं हाइट में पढ़ रहा था, एक मैं आपको बताता हूँ इसकी, बहुत ही अनबिलीवेबल है इसका डायमेंशन, हम लोग नहीं समझ पाएंगे, बट जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया है वही मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. ये है इसका भी, कर्क संहिता में इसका डिस्क्रिप्शन है. तो इसका जो हाइट है 4 बिलियन माइल, 4 बिलियन मील लंबा है ये, और 808 लाख मील चौड़ा है ये वाइड, और 8 बिलियन माइल इसका लेंथ है. तो हाइट विथ लेंथ तीनों बता दिया. तो इतना एक्सपांड होते जा रहा था वो, जैसे कृष्ण के हार्ट से वो मैनिफेस्ट हुआ गोवर्धन, तो गोवर्धन जो है वो एक्सपांड होते जा रहा था. तो कृष्णा ने फिर गोवर्धन को एक स्लैप मारा तो वो एक्सपांड होना रोक गया, कि बोला अभी पूरा ब्रज कवर कर लेगा क्या, हमें दूसरी 5 टाइम्स फिर सब जगह भर जाएगी. तो कृष्णा फिर वहां पे गोवर्धन रुक जाते हैं, और फिर सेम काउंटर पार्ट फिर मटेरियल वर्ल्ड में जब गोवर्धन आते हैं तो वहां पे फिर 5 टाइम होती है आगे, और फिर उधर वो एक्चुअली श्राप तो एक ये जस्ट बहाना था, बट जब कृष्णा डिसअपीयर हो गए तो गोवर्धन अभी भी विरह में रो रहे हैं, और धीरे 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 हाइट कम होते जा रहे हैं उनको, वो पूरा डिसअपीयर हो जाएंगे और साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरा मैनिफेस्ट हो जाएंगे. कृष्णा के विरह में वो डिसअपीयर हो रहे हैं, ऐसा है. एक्चुअल में रीजन ये है, श्राप तो ये तो सब बहाना है. सो अभी ये होता कैसे है, क्या होता है कि इंद्र जो है बहुत समय से सब ग्लोरिफिकेशन, वर्शिप, रिस्पेक्ट, अटेंशन ले रहा था सभी ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों से नहीं एक्चुअली पूरे भारत वर्ष से. तो इतना रिस्पेक्ट लेके लेते लेते उसके अंदर एक अभिमान आ गया कि मैं स्वर्ग का देवता हूँ, मैं बारिश का देवता हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. सो कृष्णा ने ये जो अभिमान है डिटेक्ट कर लिया था इंद्र के अंदर, और वो चाहते थे कि इंद्र को ठीक किया जाए. सो इसलिए जब कोई डिवोटी को स्पेशल ब्लेसिंग मिलता है तो पूरे चांसेस है कि उसके अंदर कोई स्पेशल कृपा किसी भक्त को मिलती है तो उसके पूरे चांसेस रहते हैं कि उसको अभिमान आ जाए, पूरे पूरे चांसेस रहते हैं. जैसे सब लेक्चर हो रहा है और आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको उठा के सबके सामने गले से गार्लैंड निकाल के आप बेस्ट डिवोटी हो आपके लिए ये, तो कितने चांसेस है उसके कि अभिमान आ सकता है कि नहीं, यस मैं तो बेस्ट डिवोटी हूँ. सो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. अगर आपके अंदर अभिमान आ जाएगा तो कृष्णा को 2 सेकंड भी नहीं लगता है वापस लेने में सब कुछ, सारा नेम फेम रिस्पेक्ट. तो इसलिए हम चेतना वाइज क्या चल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको कितने रिस्पेक्ट मिल रहा है, कितना गार्लैंड मिल रहा है, कितने दंडवत प्रणाम मिल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको आपके अंदर वो कृष्णा वो नहीं देखते हैं आपको कितने प्रणाम मिल रहे हैं, कितना गार्लैंड मिल रहा है, कितना ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है. कृष्णा ये देखते हैं ये सब मिलने के बाद अभी क्या सोच रहे हो आप, वो देखते हैं किस तरह से ये सारे रिस्पेक्ट, ग्लोरिफिकेशन, वर्शिप, अटेंशन को आप हैंडल कर रहे हो वो देखते हैं, और फिर आपको और कृपा देते हैं. तो इतना सब रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी ये सोचना कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, ये इजी है कि हार्ड है?
बहुत डिफिकल्ट है जब सब लोग आपका गुणगान कर रहे हैं और आप सही में ऐसा सोचो अरे मैं इस सब चीजों के लायक नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल। और हमें ऐसा प्रैक्टिस करना है, और जो ऐसा प्रैक्टिस कर सकता है उसी को ही रिस्पेक्ट मिलता है कृष्णा, उसी को ही यू नो प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसको पता है वो इस चीज को मिसयूज नहीं करेगा, उन्हें पता है कि वो इस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। पर जो ये चीज नहीं कर सकता, जो अपने उसको जो भी सब आदर सम्मान मिल रहा है उसको, वो यही समझ रहा है कि मैं महान हूँ ऐसा समझते जाएगा, तो फिर उसके लिए भक्ति जीवन एक बड़ा बोझा बन जाता है। तो आगे आनंद में भक्ति नहीं कर सकता, उसको प्रेशर में सब भक्ति प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए कृष्णा पूरा ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी उनका भक्त के अंदर अभिमान नहीं आए, उनके अंदर ये कि मुझे मान सम्मान मिले ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कृष्णा को प्राइड पसंद नहीं है बिल्कुल। सो इसलिए फिर कृष्णा प्लान करते हैं कि अभी ये इंद्र पूजा को कैसे रोका जाए, क्योंकि इंद्र को बहुत रिस्पेक्ट मिल गया, अभी ये रिस्पेक्ट ग्लोरिफिकेशन को स्टॉप करना है मुझे, तो क्या किया जाए, सोच रहे थे ऐसा। और ये भी सोच रहे थे कृष्णा कि ये सारे ब्रजवासी, ये सारे मेरे नित्य पार्षद हैं, मेरे रहते रहते ये किसी देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेसेसरी है ही नहीं, क्यों कर रहे हैं। तो वो भी एक रीजन था वो इंद्र पूजा को रुकाने का। सो इसलिए फिर क्या ये चित्र जो देख रहे हैं आप, इसमें देखिए आप कृष्णा जब गाय चरा के वापस आते हैं तो क्या वो देख रहे होते हैं कि सारे ब्रजवासी जो है एक बड़े फंक्शन में बिजी है, व्यस्त है, तो वो देख रहे हैं कि ये सब लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और सारे जो दूसरे ग्वाला है वो सब सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, उधर से इधर ले जा रहे हैं, चटाइयां बिछाई जा रही है और फल सब्जियां अनाज ये सब आ रहा है जा रहा है, दही दूध घी ये सब का व्यवस्था हो रहा है, कुछ लोग फूल इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग चावल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए जा रहे हैं, दाल के बड़े बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हलवा पूरी सब बड़ा एकदम पॉम्पस सेरेमनी का अरेंजमेंट, सब लोग बिजी थे, नंद महाराज सबसे ज्यादा बिजी थे, इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर से उधर, और सभी एक्टिविटीज को देख रहे थे कि तुम ऐसा करो, सब ओवरलुक कर रहे थे। तो कृष्णा उस समय 7 वर्ष के थे, एक्चुअली इंद्र पूजा तो हर साल हो रही थी, ऐसा तो नहीं है उसी समय हो रहा था, तो हर साल हो रही थी, पर जब 7 वर्ष के हुए तब एक बार जब वो गाय चरा के आए और जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा, और नंद महाराज से फिर वो पूछते हैं बाबा बुलाते हैं उनको, कृष्णा नंद महाराज को बाबा बुलाते हैं, तो बोलते हैं बाबा देख रहा है ये सब लोग बहुत व्यस्त है, आज कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है क्या, ब्रह्मोत्सव ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो नंद महाराज कुछ बोले नहीं, बोले ये यज्ञ हो रहा है बस, इतना ही बोले। तो कृष्णा बोले यज्ञ क्या होता है, किसके लिए यज्ञ होता है, ये क्या ये सब यज्ञ के लिए ये सब हो रहा है या कोई देवता है कि क्या है? तो नंद महाराज फिर कृष्णा को देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे, बोले ये छोटा बच्चा है इसको मैं क्या समझूंगा, क्या समझ पड़ेगी इसको, तो कुछ बोले नहीं। तो फिर कृष्णा इंसिस्ट करने लगे कि नहीं बाबा आप बताइए मुझे कि क्या कर रहे हैं आप, मुझे अभी सिर्फ गायों को संभालना आता है और कुछ थोड़ी फिलोसफी आती है,
पर मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये यज्ञ के बारे में मुझे बताइए, क्या पता जब मैं बड़ा हूँ तो मुझे यज्ञ करने आगे मैं करूंगा, तो मुझे अभी से थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है नहीं? तो आप प्लीज थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या है, मेरे को समझना है ये। और आप जैसे महान आत्मा है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जो संत कृष्णा थोड़ा ऐसा फिलोसफी बोल रहे हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, कोई भी उनको प्रश्न पूछे चाहे उनका शत्रु क्यों ना हो तो उनको वहां जवाब देते हैं, सीक्रेट नहीं रखते वो किसी से। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तो मेरे पिताश्री हैं, तो आप तो मुझे कोई सीक्रेट छुपाना नहीं चाहिए, आप बताइए कि क्या यज्ञ हो रहा है ये। तो इस तरह कृष्ण एकदम मैच्योर वे से डिस्कस कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में इस पर, आप प्लीज बताओ। सारे जो कावर्ड मेन्स है, जो ग्वालाज है, वो सब सुन रहे हैं कृष्णा की बात की, क्या बोल रहा है ये, इतना मैच्योरिटी है इसके अंदर, इतना नॉलेज है इसके अंदर। तो नंद महाराज फिर क्या कृष्णा को उठाते हैं, गोद में बिठाते हैं, और फिर कृष्णा बोलते हैं प्लीज प्लीज बताइए, मैं बहुत सीरियसली ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या ये यज्ञ शास्त्र के आधार पे हो रहा है कि या फिर ये कोई प्रथा है इसलिए हम कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये बताइए। तो फिर नंद महाराज इसका आंसर देते हैं और बोलते हैं कि ये जो है इंद्र यज्ञ है, इंद्र पूजा। तो इंद्र पूजा जो है, और नंद महाराज जो है कृष्णा को लाला बुलाते थे, अभी भी आप वृंदावन जाएंगे सब लाला करके कृष्णा को बुलाते हैं सब। तो नंद महाराज बोलते हैं कि ये जो है इंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए हम बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता है इंद्र देव कौन है, ऐसा पूछते हैं नंद महाराज, पता है क्या तुम्हें? वो जो है सभी देवताओं के राजा है, और जो बारिश जो तुम देखते हो लाला, वो इंद्र देवता भेजते हैं। अब तुम सोचो बारिश भेज रहे हैं इसलिए घास उग रही है ना, और इसलिए हमारी गाय जो है वो अच्छे से हम उसका टेक केयर कर पा रहे हैं, उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। बारिश गिराते हैं इंद्र देवता, इसलिए हम ये सब अनाज फल फूल इत्यादि हमें मिलता है, हमें आहार मिलता है, इसलिए हमें इंद्र देवता को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसको पूर्ण तरह से यज्ञ करके पूजा करके संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्षा देते हैं, वर्षा से सुख मिलता है, जीवन चलता है, गायें चल रही है, हमारा व्यवसाय भी, हम सब वैश्य है, हमारा वैश्य पूरा जो बिजनेस है गायों के ऊपर ही है, और गाय जो है घास के ऊपर निर्भर है, घास जो है वर्षा के ऊपर निर्भर है, और वर्षा जो इंद्र देवता के ऊपर निर्भर है, तो इसलिए हर साल हम ये यज्ञ करते हैं। तो फिर कृष्णा ये सब सुनते हैं, पूछते हैं कि अगर कोई ये यज्ञ नहीं करे तो क्या होगा, ऐसा कृष्णा पूछते हैं, अगर बाबा अगर ये कोई इंद्र देव पूजा का यज्ञ नहीं करे तो क्या होगा। तो नंद महाराज बोलते हैं कि अगर जो यज्ञ नहीं करेगा तो वर्षा नहीं होगी, तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, और फिर हमारी गायें जो है वो सब बीमार पड़ जाएगी, उनको कुछ खाना नहीं मिलेगा, तो गायों की प्रसन्नता के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, वो सुखी रहे इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो फिर कृष्णा बोले हाँ सही बात है, पर वो अंदर से सोच रहे थे कि ये ब्रजवासियों को इतना श्रद्धा है इंद्र देवता के ऊपर, ये सही नहीं है, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, इन लोग और ये लोग मेरे होते हुए इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इसलिए कृष्णा फिर एक ट्रिक चलाते हैं, ट्रिक करते हैं, और फिर बोलते हैं कि एक्चुअली कृष्णा ये भी सोचते हैं कि ये जो सारे व्रजवासी है ये सब इंद्र से भी महान है, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, क्यों इंद्र से महान है, क्यों इंद्र से महान, ऐसा कृष्णा क्यों सोच रहे हैं कि ये जो सारे व्रजवासी है ये इंद्र से भी महान है, क्यों ऐसा सोच रहे हैं।
और कोई यस इंद्र से क्यों मार क्योंकि ये सारे ब्रजवासी जो है वो महात्मा है और वो भगवान की सेवा में सतत लगे रहते हैं इसीलिए यस प्रदीप प्रभु प्रभु सेवा में तो इंद्र भी लगे बट उसे प्राइड नहीं है जो ब्रजवासी है उसे प्राइड नहीं है और इंद्र है उसे प्राइड है सेवा में लगे हुए है फिर भी ये जो सारे जो ब्रजवासी है सब कृष्णा के नित्य परिकर शुद्ध भक्त है और इंद्र जो है वो एक देवता है इस भौतिक संसार का जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं भी है और ये सारे ब्रजवासियों के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है केवल और केवल कृष्णा की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जी रहे हैं तो इसलिए कृष्णा सोचने लगे कि ये लोग तो इंद्र से ही महान है सो इसलिए इन लोग को इंद्र पूजा करने की जरूरत नहीं है कोई भी देवी देवता के उपासना करने की जरूरत नहीं है सो और इंद्र को यह समझना चाहिए कि इन लोगों से सेवा नहीं लेनी चाहिए वर्शिप नहीं लेनी चाहिए तो महान भक्त है पर इंद्र को ये समझ में नहीं आ रहे हैं इसलिए अभी मुझे इंद्र को समझाना पड़ेगा कि इंद्र कौन है और ये सब कौन है तो इसलिए इंद्र जो है वो अभिमान के पहाड़ पे चढ़ गया था इसलिए कृष्ण को पहाड़ की सहायता यूज करनी पड़ी उस अभिमान के पहाड़ को तोड़ने के लिए तो इसलिए फिर कृष्णा जो है एक फिलॉसफी यूज करते हैं जिसको टेक्निकली बोलते कर्म मीमांसा फिलॉसफी कर्म मीमांसा ऐसे अलग अलग फिलॉसफी है हमारे शास्त्रों के अंदर छह प्रकार की फिलॉसफी है उसमें से एक फिलॉसफी है कर्म मीमांसा फिलॉसफी सो वो फिलॉसफी कृष्णा ने सोचा कि चलो इस तरह से मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ देखते हैं क्या बोलते हैं सो कृष्णा आप क्या बोलते हैं देखते हैं तो कृष्णा देखिए क्या लॉजिक यूज करते हैं बोलते हैं कि बाबा आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये इतना उचित नहीं है करना एकदम ऐसे एक्सपर्ट वे से बोल रहे हैं एकदम लाइट वे से और थोड़ा तो बोलते हैं कि कर्म जो है वो महान है कर्म जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा जो बुरा कर्म करेगा बुरा फल मिलेगा कर्म ही पूजा है कर्म ही भगवान है ना तो कर्म को ज्यादा हमें मानना चाहिए हम क्योंकि कर्म कर रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं और इसलिए हमें खाने मिल रहे हैं अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खेती कौन करेगा गायों को कौन प्रोटेक्ट करेगा हम कर्म कर रहे हैं इसलिए तो सब हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे इंद्रा का कोई रोल नहीं है कर्म अच्छा करेंगे तो फिर दंड बाबा तुरंत उनको रोक दिए कृष्णा को बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है सुनो कर्म है वो सही बात है पर कर्म अपने आप में आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं दे सकता कोई देवता है जो आपके कर्मों को अच्छा बुरा रिजल्ट देता है ऐसा नंद बाबा बोले फिर तो कृष्णा को क्या आर्ग्यू नहीं करना था ज्यादा नंद माना से तो कृष्णा फिर डायरेक्ट बोलते हैं ठीक है अगर आप बोलते हो कि कोई देवता है जो इस कर्म को फल देता है पर अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो उसको अच्छा फल ही देना पड़ेगा अगर आप बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल ही देना पड़ेगा तो देवता भी डिपेंड है आपके कर्म के ऊपर इसलिए कर्म जो है वो महान है देवता है कोई जो भी देवता जो आप बोल रहे हो उससे भी ऊपर है आपके कर्म क्योंकि आप अच्छा कर्म जब तक नहीं करोगे अच्छा फल नहीं देगा देवता जो है वो भी कर्म के अधीन है हमारे कर्म सबसे बेस्ट है अच्छा कर्म करोगे तो उसको अच्छा फल देना ही पड़ेगा वो क्यों बुरा फल देगा अभी जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर आप कोई वाटर मिनिस्टर है आपके घर पे नल का पानी आ रहा है और ना आप अगर बिल पे कर रहे हो तो आपको पानी मिलेगा उसके लिए आपको वाटर मिनिस्टर के घर पे जाके पूजा आरती वर्शिप करने की जरूरत नहीं है आप बिल पे करोगे तो आपके घर पे पानी अपने आप आएगा उसके घर पे जाना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई आप थैंक यू पानी दे रहे हैं
करते हैं क्या मिनिस्टर गवर्नमेंट के पास जाके? नहीं, आप बिल पे करो, पानी मिलेगा। सिंपल। तो कृष्णा यही लॉजिक दौड़ा है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका अच्छा फल मिलेगा। और दूसरा फिर बोले कि आप बोलते हो इंद्र जो है हमारी पूजा स्वीकारते हैं, ठीक है, तो आपने कभी देखा है इंद्र को? इंद्र को आपने कभी देखा है? कि आपने देखा है कि इंद्र देवता आ रहे हैं और हमारे ये सारे भोगा को स्वीकार रहे हैं? कहाँ रहते हैं इंद्र? ऐसा पूछे तो नंद बाबा बोले स्वर्ग लोक में रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग लोक में रहते हैं, देखा है आपने स्वर्ग लोक? क्यों? तो स्वर्ग लोक में रहते हैं अगर इंद्र, तो हमारे ये सामग्री की क्या जरूरत है? क्या इंद्र भिखारी है? क्या इंद्र कोई गरीब है? क्या तो स्वर्ग लोक के राजा आप बोल रहे हैं ना, तो उनको ये सब चीज की क्या जरूरत है? वो तो हमसे भी ऐश्वर्य वाला जीवन है, तो उनको तो ये सब की जरूरत नहीं है। तो इंद्र हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए कर्म माने जो कुदरत जो है वो अपने आप हमें सब कुछ दे रही है, इसलिए कुदरत जो नेचर है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। इस तरह से कृष्णा बोले। सो और फिर बोले कि ठीक है बाबा, अगर आप बोलते हो कि इंद्र वर्षा देते हैं, पर मैं देखता हूँ वर्षा तो सब जगह हो रही है, पहाड़ों पे भी हो रही है, समुद्र में भी हो रही है, क्या उधर कौन सा इंद्र पूजा यज्ञ होता है बताइए? कौन यज्ञ करता है जंगलों में? कौन यज्ञ करता है समुद्र के बीच में? वहां भी वर्षा होती है। तो इसलिए बाबा मुझे लगता है ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और हमें ये ज्यादा वर्षिप जो इतना सब कर रहे हैं हम, इसका कुछ लाभ नहीं है, ज्यादा उचित नहीं है कार्य करना इतना। तो फिर नंद बाबा बोले कि जब हम यज्ञ करते हैं तो कोई देवता होता है उस यज्ञ के अंदर जो हमारे यज्ञ के आहुतियों को स्वीकारता है। कृष्ण ऐसा बोलते, नंद महाराज ऐसा बोले कि जब भी यज्ञ होता है कृष्णा, तो उसमें देवता होते हैं और वो हमारे यज्ञ को स्वीकारते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, हम लोग सब ग्वाल वाल लोग हैं, हम सब गायें चराते हैं, तो हम यज्ञ ये गायों के लिए करते हैं, ये जो आप देख रहे हो गिरिराज इसके लिए करते हैं, ये गिरिराज ही तो है जो हमारे गायों का वर्धन करता है, गोवर्धन। हमारे गायों को घास कौन देता है? गिरिराज देते हैं। हमारे गायों को सब मेंटेन कौन करते हैं? गिरिराज करते हैं। तो ये देव, इसको देवता बना लो, इसकी पूजा करो। अगर आपको कोई यज्ञ में किसी को देवता बना के उसको देना है तो इनको करो ना, गायों को करो। पहाड़ है, ये सब पहाड़ हमको इतना सब चीज देते हैं, पानी देते हैं, फिर फल फूल ये सब देते हैं, इनको इनकी वर्शिप करते हैं। तो नंद बाबा बोले ठीक है, इनका भी हम यज्ञ करेंगे, पर बाद में, अभी इंद्र यज्ञ कर लेते हैं, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, इतना हजारों सालों से चल रहा है, तो अभी हम उसका बाद में करेंगे गोवर्धन का। तो कृष्णा बोले नहीं, बिल्कुल इसमें लेट मत करो, आप जो भी आप लोगों ने जो तैयारी की है ना अभी इंद्र के लिए, वो इधर कर दो बस, शिफ्ट, कुछ करना नहीं है आपको। आपको खाली जो ये सारी जो व्यवस्था जो आपने मुझे बताई वो सब गिरिराज के लिए करो बस, तो वो आपके सारे ध्यान रखें। तो नंद महाराज और ये सब लोग जो है, मतलब ऐसे काफी डिस्कशन चल रहा था, कृष्णा जो एकदम एलोक्वेंट वे से इतना अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर के ना, सब लोग ध्यान से सुन रहे थे ऐसे, और सब लोग नंद महाराज के साथ भी डिस्कस कर रहे थे। कुछ लोग ऐसा कंसर्न भी उठाए कि अरे इंद्र जो है वो हमसे अप्रसन्न नहीं हो जाए, डिसप्लीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, अप्रसन्न, और दूसरा कोई, हाँ, नाराज नहीं हो जाए इंद्र जो है हमसे। पर हमारे आचार्य बताते हैं कि ये लोग कैसे कन्विंस्ड हुए कि ये जो सारे व्रजवासी थे, इनका नेचुरल स्वभाव था कृष्णा को प्रसन्न करना, इसलिए ये लोग कन्विंस हो गए। नेचुरली ये लोग कृष्णा को प्रसन्न करना चाहते, यही स्वभाव था इनका, तो इसलिए
ये लोग फिर यू नो एग्री हो गए और कृष्ण भी आर्ग्यूमेंट रखते गए कि हम लोग जंगल में रहते हैं, हमारा मेन रिलेशन गोवर्धन से है और इंद्र भी इतने समय से आप यज्ञ कर रहे हो, इतने समय से कभी आप देखा नहीं इंद्र को, उसने कभी क्या आपको दर्शन दिया है, कभी यहाँ पे आके उसने हमारा यज्ञ आपका कुछ स्वीकारा है। ये गोवर्धन जो है डायरेक्ट हमारे सामने साक्षात हम देख सकते हैं उसको, क्यों ना इनकी वर्शिप की जाए जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ये देख सकते हैं उसकी वर्शिप करके क्या करेंगे आप सब लोग, और आपको भी पता नहीं वो स्वीकारते कि नहीं। तो इस तरह से कृष्णा भी बोलते गए और ये भी लोग डिस्कस करते गए। सो इस फिर ये सारे ब्रजवासी लोग एग्री हो जाते हैं, ठीक है क्योंकि कृष्णा की डिजायर है इसलिए हम करते हैं, तो ये एग्री हो जाते हैं। ये लोग फिलोसॉफी से कन्विंस नहीं होते हैं, कृष्णा डिजायर कर रहे हैं इसलिए हम गोवर्धन पूजा करेंगे, इसलिए वो कन्विंस्ड हुए। भाई कर्म मीमांसा फिलोसॉफी, कर्म मान है, ये सब को इंटरेस्ट नहीं है इन सब ब्रजवासियों को, क्योंकि कृष्णा ने बोला ठीक है तो हम करेंगे। तो नंद बाबा बोलते हैं तो आप बताओ कृष्णा कैसे गोवर्धन की पूजा की जाए। कृष्णा फिर शुरू करते हैं पूरा एक्सप्लेन करना कैसे। कृष्णा फिर ये भी बोलते हैं कि मैं आपके कैलेंडर में कोई नया फेस्टिवल नहीं डाल रहा हूँ, बस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन पूजा, और ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं, परमानेंट कैंसिल कर दिया उन्होंने। कृष्णा ने छह साल तक देखा इंद्र पूजा, तो सातवें साल में फिर देखा चेंज कर दिया कि अभी से गोवर्धन पूजा होगा और परमानेंटली उसको सब्स्टिट्यूट बोला। नया कोई फेस्टिवल नहीं बता रहा हूँ आपके कैलेंडर में, खाली ये जो है 26 अक्टूबर 2022 गोवर्धन पूजा होगा ऐसा। तो फिर कृष्णा बताते हैं पूरा अरेंजमेंट के कैसे करना है कि दूध है, दही है, माखन, इन सब का समुद्र बनाओ आप, और बड़े बड़े घड़े में शहद है, घी है, मिठाइयां बनाओ और अच्छे केक्स बनाओ और चावल के पहाड़ बनाओ और दाल के तालाब बनाओ, ये सब कुछ गिरिराज को आप ऑफर करो, गोवर्धन को ऑफर, और उसकी वर्शिप करो, सभी ब्राह्मणों को बुलाओ, उनको वर्शिप करो, गायों को वर्शिप करो, और उसके बाद वर्शिप करने के बाद, पूजा करने के बाद आप जो है सभी ब्राह्मणों को भोजन दो, सबको फीस्ट प्रसाद दो, और फिर जब ये फीस्ट प्रसाद हो जाए उसके बाद आप सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने पहनो और अपने आप को सजाओ अच्छे से, और बाबा आप जो है बड़ी पगड़ी पहनना थोड़ा एकदम अच्छे से, ताकि एकदम आप लीडर है आप वृंदावन के, आप बड़े अच्छे से पगड़ी पहनिए, और फिर इस गोवर्धन की हमें परिक्रमा करनी चाहिए, इस गिरिराज पर्वत की हमें परिक्रमा करनी चाहिए। आगे गायों को, फिर बुल्स जो बैल होते हैं, गाय होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको आगे रख के हमें परिक्रमा करनी चाहिए, और बहुत जल्द गिरिराज हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इस तरह से ये सब लोग फिर कृष्णा की बात मानते हैं और अकॉर्डिंगली ये सारा गोवर्धन पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और फिर जब इस तरह से है ना, जब अमावस्या आती है, ये तो डिस्कशन पहले होता है, जब अमावस्या आती है, दिवाली का दिन होता है ना, तो दिवाली मनाते हैं। एक्चुअली इंद्र पूजा का जो ये अरेंजमेंट है ना, एक महीने पहले शुरू हो जाता था वृंदावन में, क्योंकि बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता था, एक महीना लगता था। तो फिर कुछ समय पहले, दिवाली के कुछ समय पहले ये चर्चा होती है कृष्णा और सब ब्रजवासियों की, और फिर दिवाली नक्की करते हैं कि अमावस्या के जो अगला दिन आता है, पहला दिन जो न्यू मून डे, तब हम ये इंद्र पूजा करते हैं हर साल। तो दिवाली के दिन ये लोग सब दिवाली मनाते हैं उस साल, और फिर अगले दिन गोवर्धन का जो पूजा जैसे कृष्णा ने बताया होता है वैसे वो लोग वर्शिप करते हैं। और फिर इंद्र के कानों में आवाजें कुछ आती है सुनाई, क्या आवाज सुनाई देती है कि बहुत
म्यूजिक चल रहा है और बहुत अलग अलग गीत गाए जा रहे हैं और ना अलग अलग शहनाइयां बजाई जा रही है। ये सब जो फेस्टिवल ये तो गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं ना, इसकी आवाजें स्वर्ग लोक तक जाती है। पर्पसफुली कृष्णा अरेंज करते हैं आवाज वहां तक, नहीं तो कभी आती नहीं थी इंद्रा को आवाज ये सब। पर उस समय कृष्णा ने ऐसा अरेंजमेंट किया था कि ये सारे फेस्टिवल का जो आवाज है क्लियरली इंद्र को सुनाई देना चाहिए। तो इंद्र रोशन लगे ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो इंद्र सभी है ना देखते हैं ऊपर से सब क्या हो रहा है। एक्चुअली इंद्र तो नहीं, पर इंद्र अपने दूसरे सर्वेंट्स को भेजते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो वो लोग भी ये फेस्टिवल विजिट करने आते हैं, इंद्र के जो सेवक होते हैं वो भी ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, देखने आते हैं ना कि क्या हो रहा है, इंद्र ने भेजा है तो चलो देख के आते हैं। तो फिर ये लोग देखते हैं, मतलब भी डिस्क्रिप्शन आता है पूरा श्रीमद् भागवतम में भी आता है। तो ये सब लोग अभी फिर अच्छे अच्छे सारे ब्रजवासी स्पेशली गोपियां जो है वो सब अच्छे अच्छे गहने पहन के अच्छे से गोपी ड्रेस पहन के जाते हैं। इन लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है क्या यज्ञ हो रहा है, क्या पूजा हो रहा है, क्या कौन देवता है, कृष्णा ने बोला इसलिए हम जा रहे हैं, ये मूड होता है इन सबका। ये मूड से सच दस के सब लोग आते हैं, स्पेशली गोपीज। बाकी सब तो थोड़े बड़े लोग थे वो लोग तो थोड़ा मानते, पर गोपियां जो थी वो स्पेशली क्यों जा रही थी, कृष्णा को देखने मिलेगा हमें, श्याम सुंदर कृष्णा को हम देख पाएंगे फेस्टिवल में, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो कृष्णा के रिक्वेस्ट पे सब लोग मानसी गंगा पे इकट्ठा होते हैं। अभी भी आप गोवर्धन में जाएंगे वहां पे मानसी गंगा है, परिक्रमा में भी आते हैं। तो वहां पे जाते हैं और कृष्णा वहां पे अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से हम लोग गिरिराज पूजा करेंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे, और अभी से कोई हम लोग इंद्र पूजा नहीं करेंगे, अभी सारी पूजा होगी वो ये गिरिराज के लिए होगी। और सभी ब्राह्मण्स आते हैं, सामवेद का उच्चारण करते हैं और सब लोग घर से दूध घी दही सब अपना अपना लेके आते हैं और वो सब लोग फिर गिरिराज को ऑफर करते हैं। और फिर जैसे कृष्णा ने बताया वैसा सब होता है, परिक्रमा होती है, वर्षिप होता है, यज्ञ होता है, फीस्ट प्रसाद होता है और सब कुछ मिलता है, पूरी हलवा दही स्वीट राइस सब्जी और इलायची लौंग के बने हुए पुलाव सब लिखा है एकदम डिस्क्रिप्शन में, और वो सारा मैं नहीं पढ़ूंगा बट ये सब पढ़ेंगे तो भूख लग जाएगी। 26 तारीख को तो ऐसे बनने वाला इधर बहुत कुछ, कबाब ले लेना प्रसाद। सो फिर ये सब फेस्टिवल करके कृष्णा बोलते हैं बाबा अभी आप सब लोग आंख बंद करो और गिरिराज को भोग लगाओ और बिल्कुल भी डाउट मत करना कि गिरिराज स्वीकारेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्वीकारेंगे वो, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। तो ऐसा सब लोग हाथ जोड़ते हैं, कृष्णा बोलते हैं वो लोग कर लेते हैं, सब लोग आंख बंद करके गिरिराज को भोग लगाते हैं। सो जो भी कृष्णा सजेस्ट करते थे ये सारे ब्रजवासी एक्सेप्ट करते थे। फिर क्या होता है कि इतना बड़ा सब अन्नकूट बनता है और गिरिराज को जब यू नो ऑफर होता है तो कुछ इस तरह का चित्र मैनिफेस्ट होता है, सब लोग ऑफर कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से अन्नकूट ऑफर किया तो सभी लोगों ने देखा कि एक बड़ा विशाल पर्सनालिटी पहाड़ के ऊपर विजिबल हो गया है जो कृष्ण जैसा दिखता है और वो ये सारे ऑफरिंग्स खा रहा है। जितना भी भोग ये लोग लगाए, तालाब जो बनाया, पहाड़ जो बनाया दाल का और सब्जी का, हलवा का और चावल का, पूरी का, तो ये सब खाने लगे। तो इसलिए ये सब ब्रजवासियों के अंदर बिल्कुल डाउट नहीं आए, इसलिए कृष्णा अपने आप को एक्सपांड करते हैं और गिरिराज पर्वत के ऊपर बैठते हैं। लोगों को ये लगता है कि गिरिराज प्रकट हो गए और हमारे भोग को स्वीकार रहे हैं
हमारे यज्ञ को स्वीकार रहे हैं। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जा रहे, ये पर्सनालिटी कहाँ से आए और ये सब लोग दे रहे हैं। तो कृष्णा भी बोले, देखो देखो बाबा देवता प्रकट हो गए देखो। और फिर कृष्णा बोले आप कौन है, उस देवता को डायरेक्ट बोले तो वो फिर जो देवता जो भी कृष्णा ही है एक्चुअली, तो वो बोले कि मैं आप सब ब्रजवासियों से बहुत प्रसन्न हुआ और आपके सारे भोग को स्वीकारने में आया हूं। और फिर वो भोग खाना शुरू करते हैं तो सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं, सबको आवाज सुनाई भी देती है और सब लोग देख भी रहे हैं साक्षात। फिर कृष्णा बोलते देखो बाबा आए हैं, आपने इंद्र को देखा है कभी ऐसे आते हो, आप जब इंद्र पूजा करते तब ऐसा आते देखा है कभी, देखो गिरिराज आ गए, वो हमारे भोग को स्वीकार रहे हैं। तो इंद्र भी बोले हाँ वो भी स्वर्ग में रहते हैं इंद्र, और वो बहुत दूर है तो कहाँ से आएंगे, ये तो इधर ही आ गए प्रकट हो गए गिरिराज, तो पर्सनली आए और ये लोग सब भोगा ऑफरिंग करने लगे। और फिर सब लोग कृष्णा और सब ब्रजवासी उसको प्रणाम करने लगे। तो यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट आता है, कृष्णा अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं। सो ऐसे देखें तो कृष्णा भगवान है और गोवर्धन डिवोटी है, पर ये पास्ट टाइम में क्या हो गया, फ्लिप हो गया, गोवर्धन भगवान बन गए, कृष्णा डिवोटी बन गए, कृष्णा फिर इनको ओबेसेंसेस प्रणाम कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कृष्णा की पास्ट टाइम की। सो ये सब लोग फिर इस प्रकार से वर्शिप करते हैं, सब लोग देखते हैं। और ये जो गिरिराज जब प्रकट होते हैं सारा ऑफरिंग खा लेते हैं, चावल का एक दाना भी नहीं बचता है, दाल का एक ड्रॉप भी नहीं बचता है, सब एक्सेप्ट करते हैं कर लेते हैं। और फिर प्रसाद के तौर पे पूरा एज इट इज वापस भी दे दिया उनको इस तरह से। सो ये आप देख रहे हैं इस तरह से परिक्रमा भी कर रहे हैं और उस ऑफरिंग भी कर रहे हैं और कृष्णा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और फिर पानी भी पीते हैं सब अलग अलग कुंड से, अलग अलग तालाब से ये जो गिरिराज है पानी भी पीते हैं और पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और फिर ये लोग सब क्या करते हैं, आरती करते हैं, है ना, गिरिराज प्रकट हुए हैं उसकी आरती करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। और फिर कृष्णा बोलते हैं कि अभी आप मांगो इन देवताओं से क्या मांगना है वर्ष। तो नंद बाबा को आगे ले जाते हैं, वो सभी ब्रजवासियों को रिप्रेजेंट करते हुए प्रार्थना करते हैं। नंद बाबा बोले, प्रार्थना ये करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, पर एक इच्छा है मेरी कि कृष्णा और बलराम हमेशा खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है कि लेट कृष्णा एंड बलराम बी ऑलवेज बी हैप्पी, यही प्रार्थना किया नंद महाराज ने। तो गिरिराज ने बोला तथास्तु, आपके दोनों पुत्र से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और बहुत अच्छे से मेरी पूजा की आप लोगों ने, अभी आप लोग सब जाओ अपने अपने घर, हो सकता है इंद्र आपको परेशान करे पर डरना मत, मैं आपको सारी रक्षा प्रदान करूंगा, ऐसा बोलते हैं गिरिराज। तो और फिर सबके सामने वो पर्सनालिटी डिसअपियर हो जाते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सो फिर जब ये वर्शिप गोवर्धन पूजा सब हो जाता है तो सब लोग यू नो बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल भी कंटिन्यू रहता है और सब लोग गीत बनाते हैं। ब्रजवासी लोग जो थे ये बहुत ये एक आर्ट था उनके अंदर कि कृष्णा जो भी एक्ट करते थे उसका वो गीत बना देते थे। गीत में कैसा होता था कि गोवर्धन को किसने पूजा की, गोवर्धन की जिसने पूतना का वध किया, गोवर्धन की पूजा किसने की जिसने तृणावध का वध किया, गोवर्धन पूजा किसने शुरू की जिसने कालिया को दमन किया,
तो ऐसे सब गीत गाते हैं, सब लोग वर्शिप करते हैं। फिर ये सब हो गया। अब इंदिरा जो स्वर्ग लोक में थे, उसको इनसिक्योरिटी होने लगी, क्योंकि ये सारा वो इंदिरा के सब लोग आए थे देखने, वो सब रिपोर्ट दे रहे हैं उनको कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इसको वर्शिप किया। सो इंदिरा भी सोच रहे थे कि पूरा दिन चला गया और मेरे लिए कोई पूजा का कुछ ऑफरिंग हुआ नहीं अभी तक। तो फिर से दूसरी बार भेजते हैं इंदिरा अपने सर्वेंट्स को, अपने दूत को वहां पर, देखो जाके फिर से क्या है, अभी क्या स्टेटस है, ये तो गोवर्धन का कर दिया इन्होंने पहाड़ का जो भी, पर अभी क्या कर रहे हैं, जाके देखो और बताओ। तो ये लोग फिर से जाते हैं और सुनते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ब्रजवासी लोग सब, ब्रजवासी लोग क्या बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं कि गिरिराज जो इतने महान देवता है, सारे हमारे भोगा को उसने स्वीकारा और प्रसाद के रूप में हमें दिया, हमसे बात भी की, हमारे भोग को भी स्वीकारा, इतने पीढ़ियों से हम लोग इंदिरा की पूजा कर रहे थे, एक बार भी इंदिरा ने दर्शन नहीं किया, तो अब से हम गिरिराज की पूजा करेंगे। ये सब लोग चर्चा कर रहे हैं और ये सब कौन सुन रहे हैं, इंदिरा के सब दूत लोग। तो और फिर ये जब सुन रहे थे तो ये लोग सब सोचने लगे कि ये लोग को क्या हो गया है, इंदिरा को कैसे भूल सकते हैं ये लोग, स्वयं ब्रह्मा ने इंदिरा को अपॉइंट किया है, स्वर्ग के राजा है और बारिश के देवता है, इसको कैसे भूल सकते हैं ये लोग, लगता है इनको, और ये तो छोड़ो उस उनको भूल के कि कोई पत्थर की पूजा कर रहे हैं, ये सब सोच रहे थे वो लोग, तो बहुत हंसने लगे कि ये सब लोग का लगता है बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो गया है। तो फिर इंदिरा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इस साल इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है, सारा जो ऑफरिंग है, जो सारा जो गीत संगीत कार्यक्रम ये जो हुआ था, उन सब में इन लोगों ने एक पर्वत की पूजा की है, इंद्र देवता को ऐसा रिपोर्ट किए, आपका जो भी ऑफरिंग था ये सब पर्वत को दे दिया इन्होंने, और अभी से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी से हम ये पर्वत की पूजा करेंगे, यही हमारे देवता है, यही हमारे कुल देवता है ना। सो इंद्र को फिर क्रोध आ जाता है ये सुन के। तो क्रोध कैसा आता है देखते हैं। इंदिरा को ऐसा क्रोध आ जाता है, आंखें एकदम लाल हो जाती है ना, और फिर क्रोध में आके बोलते हैं उनके, क्या बोलते हैं कि देखो ये सारे ब्रजवासी लोग सब अभिमानी हो गए हैं ना, कृष्णा अकड़ू है, कृष्णा मूर्ख है, ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं भागवतम में आता है ये डिस्क्रिप्शन, कृष्णा अकड़ू है, कृष्णा मूर्ख है, बहुत बातें करता है वो, और उससे पता नहीं है कि मैं कितना एक्चुअली इंदिरा को पता था कि कृष्णा भगवान है, सोचो, पर क्योंकि इंदिरा को वर्शिप नहीं मिली इसलिए कृष्णा को भी वो बोल रहे हैं गलत चीज। इंदिरा तो देवता है, इंदिरा डिवोटी भी है, देवता भी है, पर क्योंकि इंदिरा को वर्शिप नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसलिए वे कृष्णा को भी गालियां बोल रहे हैं। तो ये कंडीशन सोल की सबसे बड़ी बीमारी है, जब तक मुझे रिस्पेक्ट मिले तब तक कृष्णा सब अच्छे हैं, मैं रिस्पेक्ट बंद कर दिया तो सब गलत। सो क्योंकि अभी क्या होता है, इंदिरा इतने वर्षों से, इतनी पीढ़ियों से इंदिरा को सम्मान मिल रहा है इतने समय से, और सडनली वहां पे ब्रेक लग गया उस रिस्पेक्ट का और सम्मान का, इसलिए इंदिरा के अंदर क्या इनसिक्योरिटी होने लगी, इनसिक्योरिटी असुरक्षितता जो भी बोलो आप, इनसिक्योरिटी होने लगी। सो अभी हम डिवोटीज को भी ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि
ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं है। जो मैच्योर लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं वो लोग अंदर से संतुष्ट रहते हैं, वो कभी इनसिक्योर नहीं होते हैं। पर जो इमैच्योर होते हैं वही इनसिक्योर होते हैं। सो इंद्रा अपनी ये इमैच्योरिटी दिखा रहा था, इनसिक्योरिटी दिखा के इंद्रा की इमैच्योरिटी मैनिफेस्ट हुई ये सब चीजें के थ्रू। कभी कुछ चीज हमें दी जाएगी, कभी कुछ चीज हमसे ली जाएगी। हो सकता है हमें वो चीज की जरूरत नहीं हो, या हो सकता है हम उस चीज को डिजर्व नहीं कर रहे हो। सो इंद्रा भी ये वर्शिप डिजर्व नहीं करता था, और उसको जरूरत भी नहीं थी वर्शिप करने की। दोनों चीजें थी, है ना। इंद्रा ना तो डिजर्व कर रहा था, ना उसको जरूरत थी इस वर्शिप की। इंद्रा का सिर्फ एक जॉब था कि भगवान की सेवा में लगना। वो स्वर्ग के राजा है, बारिश के देवता है, वो सिर्फ अपनी सेवा करे। मान सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। सो ये मान सम्मान की जो भूख जो इंद्रा के अंदर थी, इस भूख ने इंद्रा को मूर्ख बना दिया, ऐसा बोल सकते हैं। सो ये जो मान सम्मान का जो डिजायर है हमारे अंदर, ये बहुत ही डेंजर है। क्योंकि कैसा है कि जब हमें रिस्पेक्ट मिलता है, जब हमें ग्लोरी ग्लोरिफिकेशन मिलता है, हमें फेम रिस्पेक्ट फॉलोअर वर्शिप ये सब मिलता है, तो क्या हमारा अभिमान अंदर से बढ़ता है? पर हमें वो ज्यादा पता नहीं चलता है, वो सर पे आ जाता है, सर पे चढ़ जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम शुद्ध भक्त हैं, हम महान भक्त हैं, हम गुरु हैं, हम दीक्षा भी दे सकते हैं। ऐसा इतने सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं तो शायद मैं स्पेशल हूंगा, इसलिए आ रहे होंगे, तो क्यों आएंगे? कुछ होगा ना मेरे अंदर, इसलिए तो आ रहे हैं सब। सुनने सब मेरे को प्रणाम करने, सब गिफ्ट देते हैं, क्यों दे रहे हैं? कन्विंस हो जाता है माइंड के मैं अच्छा ही हूं। तो ये, और फिर क्या होता है, फिर सडनली उसके पास लोग आना बंद कर दें, तो सोचो कैसी हालत हुई। वो तो सोच रहा, वो तो यही सोच रहा है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो लोग क्यों नहीं आ रहे, मैं तो अच्छा हूँ, अब अचानक क्यों लोग नहीं आ रहे? तो उनको, उस व्यक्ति को फिर इनसिक्योरिटी होने लगती है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, या उसको गुस्सा आने लगता है। सेम इंद्रा का ये हालत हो गया अभी। तो जब हम ये मान सम्मान की रिस्पेक्ट करते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिला, हमें ऑनर नहीं मिला, हमें वो सत्कार नहीं मिला जिसको हम डिजर्व करते हैं। हाँ यस, अगर हम कोई सेवा करते हैं तो जेन्युइनली लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर वो अप्रिसिएशन से हमें और उत्साह और एंकरेज मिलना चाहिए और सेवा करने के लिए। ये नहीं कि फिर हमारा अहंकार बढ़े उससे, हमारा अभिमान बढ़े। तो जो परिपक्व भक्त होता है, जो मैच्योर भक्त होता है, वो कैसे सोचता है कि मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला है, यही सबसे बड़ी कृपा है। इस पूरे संसार में सबसे बड़ी कृपा क्या है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि मुझे कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। पूरे संसार में 14 जो लोग हैं उसमें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है कि मुझे कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हमें उसके अंदर रिकॉग्निशन नहीं ढूंढना है, नेम फेम नहीं ढूंढना है, हमें पार्टिसिपेशन करना है। एक होता है पार्टिसिपेशन, दूसरा होता है रिकॉग्निशन। क्या इंपॉर्टेंट है दोनों में से? पार्टिसिपेशन इन सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस। हमारी सेवा को कोई रिकॉग्नाइज करे या ग्लोरीफाई करे या नहीं करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सेवा करने मिला वो इम्पोर्टेंट है। तो इंद्रा क्या रिकॉग्निशन भी चाह रहा था, वर्शिप भी चाहता था, क्रेडिट भी चाहता था। कृष्णा को चिंता होने लगी, बोला एक हफ्ता रुक जाओ बस। तो
इस तरह से फिर क्या इंदिरा बहुत क्रोध में आके बहुत सारी चीजें बोलता है ना, बहुत सारी चीजें, और ना कि अभी मैं इन लोग को बताऊंगा कि कौन असली, कौन मैं कौन हूँ और मेरा क्या पावर है, मैं इसको बता कर इन लोगों को बता के रहूंगा, अभी इनको पता चलेगा इन्होंने क्या गलती की है, अपने वज्र से मैं इनके अभिमान को तोड़ दूंगा, ऐसा इंदिरा। तो जो व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है ना, वो ये सोचता है कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है, दूसरों के अंदर अभिमान है, ये है ना अंधा कर देता है व्यक्ति को, है ना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको उसको क्या लगता है, दूसरे ने शराब पी है इसलिए वो हिल रहा है, और वो खुद ही हिल रहा होता है, उसके ऊपर ही असर करता है, पर दूसरे लोग नहीं हिल रहे, वो खुद हिल रहा है इसलिए लगता है दूसरे लोग हिल रहे हैं और मैं सीधा हूं। तो ऐसा सेम इंदिरा के साथ हो गया था, और बहुत क्रोध करता है मतलब से। और फिर अब मैं बताता हूँ कि कौन देव असली देवता है, ये जो पहाड़ है इसको अभी मैं इस पहाड़ का कचरा कर दूंगा और समुद्र में इसको बहा दूंगा, और ऐसा क्या बाढ़ ला दूंगा कि कोई बचेगा नहीं, सभी ब्रजवासियों को मैं नष्ट कर दूंगा, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, इन्होंने मेरा अपराध किया है इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। तो गुस्से में आके इंद्र जो है वर्षा जो संवर्त बादल है उसको बुलाते हैं। संवर्त बादल क्या होते हैं, ये वो बादल होते हैं जब प्रलय करना होता है, पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय जब करना होता है तभी ये बादलों को बुलाया जाता है, और ये बादलों के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ब्रह्मांड को पूरा पानी से भर सकते हैं, इतना वॉल्यूमिनस क्लाउड्स और वाटर होता है इनके अंदर, ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसका पूरा इसका जो डायमीटर है ना 8 बिलियन माइल डायमीटर है, सोचो इसको भर सकते हैं। तो उस बादलों को इंद्र ने बुलाया, किसको, वृंदावन को नष्ट करने के लिए। अभी वृंदावन के अलावा दूसरे सभी शहरों में इंद्र पूजा चल रही थी, अब ये तो खाली वृंदावन में ही हुआ था ना, बाकी दूसरे समझो ना कि उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य में या राजस्थान में, गुजरात में, आपके अहमदाबाद में भी उस समय इंद्र पूजा तो चल ही रही थी, पर सिर्फ इस छोटे 84 कोस के अंदर ही सिर्फ स्टॉप किया था कृष्ण ने, बाकी पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, क्योंकि उस समय एक ही राजा था, तो उस समय चल रहे, यहाँ पे फिर मुझे ऑफरिंग नहीं मिला इसलिए इस छोटे स्थान को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको इतना क्रोध आ गया कि संवर्तक को बुला दिया उसने। तो जो प्राइड जो है कितना ब्लाइंड कर देता है व्यक्ति को, इंद्र का सोचो ये, इंद्र के पास 1000 आंखें है उसके पूरे शरीर में, 1000 आंखें, फिर भी उसको दिखाई नहीं दिया कि क्या गलती कर रहे हो, है ना, उसके पास 1000 आंखें फिर भी उसे दिखाई नहीं दिया कि क्या कर रहे हो, फिर क्या लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ। तो संवर्त तक को बुलाते हैं, और जब कृष्ण इंद्र इस प्रकार से ऑर्डर करते हैं और फिर बोलते हैं कि जाओ वृंदावन और इसको सब नष्ट कर दो, ये सारे गांव वालों ने मेरा बहुत अपमान किया है और मैंने इनको सब कुछ दिया, इनको वर्षा भी दिया, इनको सब कुछ प्रोवाइड किया, पर इन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया, तो आपको, आप इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हो, इसलिए मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, आप जाओ और ये वृंदावन को नष्ट कर दो, ठीक है। तो ये जो संवर्क बादल थे ये लोग भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये इतने छोटे गांव के लिए हमको लगा रहे हैं और इतना छोटा मिस्टेक के लिए इतना बड़ा सजा दे रहे हैं, तो इन लोग को भी थोड़ा ऐसा होने लगा, पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते थे, उनके मास्टर ने उनको बोला है कि करना है तो करना है। तो फिर ये लोग जाते हैं, सारे बादल
धीरे धीरे वृंदावन की तरफ जाते हैं। और फिर इंद्र देवता जो है वायु को भी बोलते हैं कि तुम भी जाओ, हैवी विंड फियर स्ट्रॉम, वो भी वर्षा से पहले एक आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, क्या बोलते हैं स्ट्रॉम को, आंधी तूफान, आंधी तूफान पहले लाओ फिर तुम वर्षा करो बाद में, तो वो भी जाते हैं वायु देवता और ये बादल दोनों मिलके जाते हैं। सो उत्तर दिशा से आते हैं सारे बादल और सारे हवाएं, और ब्रजवासी लोग तो सब अभी भी फेस्टिवल तब उनका जस्ट खत्म हुआ। फिर क्या, सडनली आकाश से गरजते बादल की आवाज सुनाई देती है, एकदम रंबलिंग साउंड ऐसा सुनाई देता है, और ये आवाज ऐसा होता है कि जब ब्रह्मांड नष्ट होने वाला होता है जब आवाज आती है, ऐसी आवाज आ रही है वृंदावन के अंदर। तो ये सब सारे ब्रजवासी लोग जो है वो घबरा गए, और धीरे धीरे ये सारे बादल जो है सन जो सूर्य होता है उसको ब्लॉक करने लगे, और एकदम ये डेंजरस बादल होते हैं, रेड ग्रीन ब्लैक कलर के क्लाउड होते हैं, एकदम डेंजर, एकदम रेड ब्लैक ग्रीन पर्पल इंडिगो ऐसे कलर के क्लाउड जाते हैं वहां पर, और सारे बादल और ये सब सूर्य को कवर कर देते हैं, पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है। तो सारे ब्रजवासी लोग घर के बाहर निकल के देखते हैं, अचानक से अंधेरा हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद ऐसा अंधेरा हो जाता है कि इन लोग को दिखाई नहीं देते एक दूसरे को, इतना अंधेरा हो जाता है। सारी जो माताएं अपने बच्चों को ढूंढ रही है कहाँ गए, सब जो गाय हैं जो गाय चरा के आ रहे होते हैं ये लोग भी सब अंधेरे में सब खो जाते हैं, इधर उधर सब हो जाते हैं, और बहुत आंधी तूफान आने लगता है। कुछ लोग फिर बोलते हैं ऐसा कि हमने ये इंद्र की पूजा बंद कर दी है इसलिए अभी उनको क्रोध आ गया है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कल ही हमारा गोवर्धन पूजा खत्म हुआ है और कृष्णा ने ये नया पूजा शुरू कर दिया है इसलिए इंद्र जो है हमसे नाराज हो गए हैं। तो सब लोग घर की तरफ भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अपने आप को बचाने का ट्राई कर रहे हैं, फुल आंधी तूफान आ रहे हैं, सब जो ब्रजवासी हैं गाय के जो बछड़े हैं सबको, सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, कईयों को थोड़ी थोड़ी चोट भी आती है, और फिर वर्षा होना शुरू हो जाती है। और ये जो वर्षा होती है ऐसा श्रीमद् भागवतम में डिस्क्राइब किया है कि जो वर्षा होती है पिलर की तरह एक बूंद होती है, एक बारिश की जो एक बूंद होती है पिलर की तरह होती है एक बूंद, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वर्षा मंगाएगी। तो एक पिलर जितना सोचो, एक बूंद गिरे इतना आवाज और डिस्ट्रक्शन हुए, तो ऐसी वर्षा होने लगी, हाथी जैसे बूंद थे। सो सब लोग पूरा सब जगह डिस्ट्रक्शन होने लगा, और सब लोग फिर कृष्णा को वर्शिप कर प्रार्थना करने लगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या कोई देवता कृष्णा के नित्य पार्षदों को कष्ट पहुंचा सकता है क्या, थोड़ा अगर हम सोचो इस पे, एक पर्टिकुलर देवता है 33 करोड़ देवता है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर देवता कृष्णा के क्लोज एसोसिएट्स को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, गायों को कृष्णा की गायों को कैसे परेशान कर सकता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं इसके अंदर कि ये जो सब जो कष्ट हो रहा था वो इंद्र के द्वारा नहीं हो रहा था, ब्रजवासियों इंद्र के द्वारा नहीं हो रहा था, भगवान की ये लीला शक्ति है जो ब्रजवासियों को ये सारा एक्सपीरियंस करवा रही थी, इंद्र के द्वारा वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, कृष्णा की लीला शक्ति है वो लीला शक्ति के द्वारा ये लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। कृष्णा की
जो लीला शक्ति है इस प्रकार से अरेंजमेंट करती है कि सब ब्रजवासियों को थोड़ा समय के लिए स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा होता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा होता है उस समय के लिए। कितने समय के लिए? जब इंद्रा वर्षा करते हैं वहां से लेके जब कृष्णा गोवर्धन उठाते हैं वो ड्यूरेशन तक। वो कितना ड्यूरेशन होता है? हो सकता है आधा घंटा एक घंटा, बस ये कुछ ब्रीफ समय के लिए इन लोग को थोड़ा स्ट्रगल करना होता है ताकि ये लोग गोवर्धन लीला को रिलीज कर सके, ये पर्पस है। बाकी कोई देवता कृष्णा के शुद्ध भक्तों को टच भी नहीं कर सकता। इधर हम देख रहे हैं ये लोग सब परेशान है, पर वो नहीं है, पर ये सब कृष्णा की लीला शक्ति है जिसके द्वारा ये लोग सब एक्सपीरियंस करें ताकि गोवर्धन लीला को ये लोग रिलीज कर सके। जब कृष्णा गोवर्धन उठाएंगे, गोवर्धन के नीचे जब खड़े रहेंगे तब कृष्णा का दर्शन सब लोग कर पाएंगे और इन लोग को आनंद जो मिलेगा वो आनंद देने के लिए इन लोग को थोड़ा ये ब्रीफ स्ट्रगल के लिए गुजरना पड़ता है और वो भी लीला शक्ति के द्वारा। ये फर्स्ट लेसन। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि इंद्र देवता जो है वो डिसाइड करते हैं वृंदावन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ब्रजवासियों ने इंद्र के लिए क्या किया और इंद्र क्या कर रहा है ब्रजवासियों के लिए? सेम एपिसोड ऐसा होता है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के साथ। उन्होंने जस्ट पानी का एक बूंद पिया जो कि गलत नहीं था, और सिर्फ ये छोटी पनिशमेंट के लिए दुर्वासा जो एक बड़ा राक्षस क्रिएट करते हैं अम्बरीश को मारने के लिए। तो व्यक्ति के अंदर जब एक्सट्रीम प्राइड या प्राउड आ जाता है तो वो पनिशमेंट नहीं करता है, देता है लोगों को। वो पनिशमेंट के नाम पे प्रूव करता है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पोजीशन है। जजमेंट नहीं कर सकता, वो रियल जजमेंट दे नहीं सकता, सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर सकता। वो सिर्फ यही दिखा सकता है कि देखो मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे से पंगा मत लो। व्यक्ति को ठीक नहीं करता है वो खुद को प्रूव करता है। और इसको टेक्निकली बोलते हैं ईशा मान सिंड्रोम। नहीं नहीं, संस्कृत वर्ड है ईशा मान, कि खुद को ईश्वर मानते हैं लोग। ईशमान तुम नाम, हम थोड़ा क्या मेडिकल फील्ड से, तो ईशमान सिंड्रोम ऐसा मैं नाम दे देता हूँ सिंड्रोम। तो सो अब इंद्रा देखो क्या क्या डिस्ट्रक्शन करता है, क्या क्या डिस्ट्रॉय करता है। कितने सारे असुर आए अब तक वृंदावन में, हर असुर ने कुछ ना कुछ नुकसान किया, और हर असुर किस पे? कृष्णा पे अटैक किया। इंद्रा एक देवता है, इंद्रा को पता है कृष्णा भगवान है, इंद्रा डिवोटी भी है, पर जितना नुकसान दूसरे असुरों ने किया उससे कई गुना जान नुकसान इंद्र ने किया डिवोटी होने पर भी। और दूसरे असुर तो सिर्फ कृष्णा पे अटैक कर देते, इसने कृष्णा के साथ साथ कृष्णा के डिवोटीज को भी अटैक किया। इतना हैवी ऑफेंस है, सोचो। दूसरे असुरों को इतना ऑफेंस नहीं लगा क्योंकि वो तो कृष्णा, और वो लोग तो सब इग्नोरेंट है, उन्हें तो पता ही नहीं था कृष्णा भगवान है। इंद्र का देखो कैसी क्या देखो क्या हो गया, मतलब प्राइड कितना डेंजर है सोचो आप, मैं वो बताने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। कैसी व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है तो क्या से क्या हो जाता है। वो डिवोटी होने पर भी उसे पता है कि इंद्र डिवोटी है, उसे पता है कि कृष्णा के डिवोटी कृष्णा से भी महान है, उसको सब फिलोसफी पता है, वैष्णव लोग कैसे होते हैं ब्रजवासी। फिर भी जितना नुकसान दूसरे असुरों ने किया उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इंद्र करता है। सिर्फ मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी इसलिए, तो ये असुर सबसे बड़ा असुर है, प्राइड। इसलिए बाहर के लोग इतना परेशान नहीं कर सकते भक्त को, पर हम में से अगर कोई भक्त मेंटली डिस्टर्ब है या फिर उसकी कॉन्शियसनेस सही नहीं है फिलोसॉफी वाइज, तो वो जितना वो नुकसान कर सकता है उस
उतना नुकसान बाहर के अभक्त लोग नहीं कर सकते। कि हमें अपनी चेतना को प्रोटेक्ट करना चाहिए अच्छे से पुस्तकों का अध्ययन करके और साधना करके। जब यहाँ पे हम लोग कमजोर पड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा नुकसान जो भक्त के समाज में जो कर सकता है वो फिर हम होंगे और कोई नहीं। बाहर का व्यक्ति कोई नुकसान इतना नहीं कर सकता। और हम लोग अगर साधना में सेवा में चेतना वाइज कमजोर हो गए तो जितना नुकसान हम कर सकते हैं उतना कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये इंदिरा थे और ये नो और इंदिरा का किसी की सुनता भी नहीं था फिर कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ वो करते जा रहा था। दूसरे देवी देवताओं ने भी इंदिरा को समझाने का ट्राई किया पर नहीं समझा वो। तो फिर क्या होता है कि ये सारे ब्रजवासी कृष्णा को प्रे करने लगे, कृष्णा आप सर्वशक्तिमान है और आप अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, कृपया हमें बचाइए इंदिरा के इस आक्रमण से। सो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। फिर कृष्णा सोचते हैं सब लोग कृष्णा फिर क्या करते हैं कि हमने गिरिराज की पूजा की है, गिरिराज ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए कृष्णा सभी ब्रजवासी को बोले चलो गिरिराज के पास, उन्होंने बोला था हमको प्रोटेक्ट करेंगे तो हम तो उनके पास जाएंगे, मैं क्या करूंगा, मैं तो 7 साल का बालक हूँ मैं क्या करूंगा। तो सबको गिरिराज के पास ले जाते हैं और कृष्णा बोलते हैं कि अगर इंदिरा ने ये सारा नुकसान हमें कर रहा है तो गिरिराज ही हमको प्रोटेक्ट करेंगे, वो सभी पर्वतों के राजा है वो कृपालु है वो हमको सब कृपा देंगे तो इसलिए आप लोग डरो मत, चलो गिरिराज के पास उनके पास चलते हैं। सो फिर क्या कृष्णा जाते हैं उधर सभी ब्रजवासी उसके साथ और सभी वो भी ये भी देखते हैं कि सभी गोपीज और सभी गायें सब लोग सब परेशान है बहुत। और फिर इंटरनली ये भी सोचते हैं कि इंदिरा को अभी ठीक करना पड़ेगा, अभी वो लिमिट क्रॉस कर दिया इंदिरा ने। और फिर एक श्लोक भी कृष्णा एक बोलते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि जो मेरी शेल्टर लेता है मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, ऐसा मेरा वाव है, ऐसा मेरा प्रॉमिस है, इसलिए मुझे ही ये अरेंजमेंट करके इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर कृष्णा क्या करते हैं, गोवर्धन पे एक जगह है, अभी भी आप परिक्रमा में जाएंगे, परिक्रमा से थोड़ा अलग होके ये स्थान आता है, ये वो स्थान है जहां से कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। परिक्रमा मार्ग में नहीं आता है, थोड़ा ऑफ ट्रैक में है, ये क्रॉस में थोड़ा आता है। तो कृष्णा फिर जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। सो